आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएसई मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तमाम नई सेवाओं और स्कीम्स के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हमारी पहली स्कीम की ओर, जो है कल्चरल सर्वे, यानी कि सांस्कृतिक सर्वेक्षण। भारत एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान है, जिसकी जड़ें गांव में है। आपको बता दें कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के तहत काम कर रहे कॉमन सर्विस सेंटर के साथ पार्टनरशिपिंग, यानी कि भागीदारी की है। मेरा गांव मेरी धरोहर शीर्षक वाले इस सर्वेक्षण में नागरिकों को शामिल करके गांव स्तर पर सांस्कृतिक पहचान का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया गया है, जो उनके गांव, उनके ब्लॉक या जिले को विशिष्ट बनाता है। समझौते के अनुसार सीएससी एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करेगा और सर्वेक्षण करने के लिए वीएलई, यानी कि जो विलेज लेवल एंटरप्रेनर्स है, उनको प्रशिक्षित करेगा। देश भर में सीएससी का प्रबंधन करने वाले 400,000 से अधिक वीएलई 638,000 गांव में सर्वेक्षण करेंगे। सर्वे के तहत वीएलई गांव में नागरिकों के साथ बैठक करेंगे और फिर आवेदन पर अपने गांव, इसके रुचि के स्थानों, रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रसिद्ध व्यक्तित्वों, त्योहारों, मान्यताओं, कला और सांस्कृतिक आदि के बारे में दिलचस्प तथ्य अपलोड करेंगे। वीएलई इन पहलुओं से संबंधित फोटो और वीडियोस भी एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे। और आज कल्चरल सर्वे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषिकेश पाटनकर जी, जो कि कल्चरल सर्वे यानी कि सांस्कृतिक सर्वेक्षण के प्रोजेक्ट हेड हैं। ऋषिकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने। धन्यवाद, सभी को नमस्कार जी। ऋषिकेश जी, मैं पूछना चाहूंगी कि कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ये जो सांस्कृतिक सर्वेक्षण यानी कि कल्चरल सर्वे किया जा रहा है, क्या इससे ग्रामीण क्षेत्र के जो संस्कृति है और जो जीवन शैली है, उसको जानने का एक और मौका मिलेगा लोगों को, खास तौर से आजकल के युवाओं को? जी, आपने बहुत सही बात कही। और ये जो सर्वे है, जिसे मेरा गांव मेरी धरोहर के नाम से जाना जा रहा है, ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए किया जा रहा है और फील्ड में ये सर्वे सीएससी वीएलईस के माध्यम से कराया जाएगा। अभी हमने इसका पायलट चालू किया है, जो सीएससी के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो राज्य स्तर पे हैं और जो जिला स्तर पे हैं, वो ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं। और करीब हमारा प्लान ये है कि 20,000 गांव हम कवर करेंगे इसमें। और जैसे 20,000 गांव कवर करते हैं, उसके बाद हम बाकी वीएलईस को सारे गांव खोल देंगे। तो करीब 6.5 लाख जो हमारे देश में गांव हैं, इन सभी गांवों का सर्वे किया जाएगा। और गांव में जो बहुत अद्भुत संस्कृति है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो सारी चीजें निकल के आएंगी इस सर्वे से। जी ऋषिकेश जी, कॉमन सर्विस सेंटर की जो वीएलई है, जब गांव के लोगों के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, तो किन किन सांस्कृतिक चीजों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा? इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है कि वीएलई वहीं का, वो उसी लोकल कम्युनिटी का है, तो उसे आसपास के जो गांव हैं और जो ग्राम पंचायत है, उसके बारे में उसे पता है। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसे वहां पे, जो मीटिंग होगी वहां पे निकालना है। एक तो बिलीफ्स है कि किस तरह की बिलीफ्स गांव में प्रचलित है। उसके बाद खानपान की क्या सुविधाएं वहां पर हैं, क्या खानपान बनाया जाता है, लोकल जो व्यंजन है वो किस तरह से बनाए जाते हैं और क्या क्या बहुत ही फेमस है वहां पे, वो निकल के आएगा। उसके साथ साथ पहनावा, जिसे हम कहते हैं, या ड्रेस जिसे कहते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस, वो किस तरह की है, मेल फीमेल किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये एक निकल के आएगा। उसके साथ साथ ऑर्नामेंट्स, जो खूबसूरती के लिए पहनते हैं, महिलाएं पुरुष दोनों पहनते हैं, तो ऑर्नामेंट किस तरह के पहनते हैं गांव में, वो निकल के आएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे हेरिटेज प्लेसेस हैं, पुराने टूटे किले हो सकते हैं, या पुराने झरने या पॉन्ड्स, या इस तरह पेड़, इस तरह की चीजें हैं जो एक हेरिटेज बनने के लायक हैं, बट वो अभी तक नहीं निकल के आई हैं, तो वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद जो लोकल फेयर होते हैं, जो हमारे यहाँ मेले लगते हैं लोकल, उन मेलों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराना कि कौन सा गांव में कौन सा मेला है और वो क्यों फेमस है,
तो इस तरह की चीजें निकालना, उसके बाद ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट जो हमारे आर्टिसंस काम करते हैं लोकल लेवल पे, वो किस तरह के हैंडीक्राफ्ट की वस्तु बनाते हैं या किस तरह का उनका लोकल आर्टिसंस क्या क्या काम करते हैं, ये सब चीजें निकल के आएंगी। और बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं जो जिनका अभी जब अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और इनको हम आगे लाएं, इस ये कल्चर सर्वे का एक मुख्य उद्देश्य है। जी बिल्कुल, कल्चरल सर्वे जो है गांव की जो संस्कृति है वो लोगों को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि लोग आजकल उस चीज से थोड़ा अलग हटते जा रहे हैं। ऋषिकेश जी, क्या उद्देश्य है इसका और कल्चरल सर्वे का, और सीएससी में इसकी भूमिका कितनी अहम है? और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि जो सर्वे किया जा रहा है वो लोगों तक किस माध्यम से पहुंचेगा? तो जैसा मैंने पहले बताया कि भारत की संस्कृति काफी प्राचीन है, और ये जो सर्वे किया जा रहा है ये मोबाइल ऐप के द्वारा किया जाएगा। मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल होगी और सारे वीएलईज उसमें अपना लॉगिन कर सकते हैं। उसके जब हम चालू करेंगे वीएलईज के लिए, तो वीएलईज के लिए वो लॉगिन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे और वो गांव से अपने मैप रहेंगे, जिस गांव में वो बिलोंग करते हैं उनके और आसपास के गांव से उन्हें मैप किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीएलईज गांव को कवर कर सके। ये मोबाइल ऐप बेस्ड सर्वे है और मोबाइल ऐप के जरिए जो लोकल लेवल पे जो डेटा कलेक्ट होगा उसे बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन, जो हम पोर्टल बेस्ड एप्लीकेशन है, उसके ऊपर डेटा को लाया जाएगा। उसके बाद डेटा में बहुत सारे कुछ करेक्शंस हैं, क्योंकि ये प्राइमरी सर्वे है तो बहुत सारे करेक्शंस होंगे, उसमें थोड़ा सा निखार होगा, तो ये सारी चीजें हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे। इसमें इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, जो हमें हेल्प कर रही है इस सर्वे को और सुदृढ़ बनाने में और इंटीग्रेट करने में। तो ये मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी आपका। तो ये थे हमारे साथ ऋषिकेश पाटनकर जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो भारत के अलग अलग गांव की संस्कृति को और उसकी जीवन शैली को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है और लोगों तक पहुंचा रहा है। फिर चाहे वो गांव का पहनावा हो, वहाँ के अलग अलग स्थान पे होने वाले जो मेले हो, या फिर वहाँ का पकवान, वहाँ के खान पान, वहाँ का पहनावा, उन सभी सांस्कृतिक चीजों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है। और अब बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर ने देश भर के नागरिकों को, खास तौर से ग्रामीणों को सशक्त बनाने का हर प्रयास किया है। फिर चाहे वो शिक्षा हो, कृषि हो, डिजिटलाइजेशन हो, या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की भी सुविधा दी जा रही है। डीमैट का काम होगा कि लोगों को शेयर बाजार से भी जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि जब हम डीमैट या शेयर की बात करते हैं तो शहरों में तो लोग इसे जानते हैं, इससे जुड़े भी हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में शेयर बाजार अपनी उतनी पहुंच नहीं बना सका है। इसीलिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अब गांव में भी लोगों को शेयर एजुकेशन की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, ताकि वो भी शेयर बाजार से जुड़ सकें और अपने आप को फाइनेंशियली मजबूती दे सके। और इसका सबसे बड़ा फायदा आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े जो युवा हैं उनको मिलेगा। और आज डीमैट अकाउंट पे विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तम गुप्ता जी, जो कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के प्रोजेक्ट हेड हैं। उत्तम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने। नमस्कार निधि जी, एंड थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया कि एक डीमैट अकाउंट की जो नई सर्विस सीएससी से चालू हो रही है उसके बारे में बताने के लिए। जी बिल्कुल उत्तम जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर का डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है, ये क्या है, किस तरह से काम करता है, इसका मकसद क्या है? मैम, अब क्या हो रहा है कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो शेयर मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करना होता है उसके लिए दो तरह के अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है डीमैट अकाउंट और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट जो होता है वो बहुत कुछ सिमिलर होता है हमारे बैंक अकाउंट की तरह। जैसे बैंक अकाउंट में हम पैसे को सेव करके रखते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में हम जो सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, और उनको सेव करके रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, ये बिना पेपरलेस होता है, कोई पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिकली सेव करते हैं। और इसके अलावा जब भी कोई मार्केट में नया आईपीओ आता है तो उसके लिए भी अगर हमें अप्लाई करना होता है तो हम अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू आईपीओ के अप्लाई करते हैं।
जी ये तो हो गया डीमैट अकाउंट। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि जब भी आप किसी शेयर मार्केट को जो शेयर को जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स को बाई करने के लिए या सेल करने के लिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, तो अब ये दोनों अकाउंट ओपन करने की सुविधा सारे सीएससीज पे उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि जो भी अगर व्यक्ति है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाकर अप्लाई करके ट्रेडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। ओके उत्तम जी, एक सवाल और आ रहा है यहाँ पे कि लोग अगर नहीं जानते हैं कि शेयर मार्केट किस तरह से उस अकाउंट को यूज करना है, शेयर किस तरह से खरीदने है, तो क्या लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इस चीज का? इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, इसकी पूरी टीम है। जब एक बार डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तो जो भी कस्टमर है उसकी ईमेल आईडी और उसके मोबाइल नंबर पे जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी, जिससे कि वो ट्रेडिंग कर सकता है। उसके अकाउंट यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। उसके बाद जो भी उसकी हेल्प चाहिए उसको, उसके लिए एक टीम होगी जिसके वो संपर्क करेगा, उसके उसकी डिटेल भी आएगी। जी ओके उत्तम जी, एक सवाल ये भी है कि जो सीएससी के थ्रू जो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का ये जो स्कीम है, इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है? अच्छा, इसका प्रोसेस ऐसा है मैम कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाके वो सीएससी के वीएलई को बताया कि मैं डीमैट अकाउंट की सर्विस लेना चाहता हूँ। तो वीएलई क्या करेगा, डिजिटल सेवा पोर्टल से अपने क्रेडेंशियल के थ्रू डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करेगा। उस पोर्टल पे उसके आइकन बने हुए हैं डीमैट अकाउंट ओपनिंग के, उस पर क्लिक करेगा तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का फॉर्म खुल जाएगा। उस पर वो कस्टमर की बेसिक डिटेल्स जो है वो डालेगा, जैसे नाम हो गया उसका, उसकी ईमेल आईडी हो गई, उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर हो गया, उसके बैंक डिटेल हो गई, उसकी एड्रेस हो गई, और इसके अलावा उसकी एप्लीकेशन भरने के प्रोसेस में ही उसकी वेब कैमरा के थ्रू फोटो ली जाएगी और उसका एक छोटा सा वीडियो लिया जाएगा। इसके अलावा ईकेवाईसी होगी, यानी कि जो कस्टमर है उसके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी को पंच करवाएगा वहां पे बताएगा, तो डेली उसका ओटीपी डाल उस एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। और इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो उसके बाद जो कस्टमर है उसके द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ईमेल आईडी जो है उस पे और मोबाइल नंबर पे मैसेज जाएगा कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है और आपका यूजर आईडी पासवर्ड ये है, इसको यूज करके अब आप शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस में कुछ प्रिकॉशंस भी रखने हैं। प्रिकॉशन ये है कि हरदम कस्टमर का ईमेल आईडी और उसका ही आधार लिंक मोबाइल नंबर यूज करना है, क्योंकि जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उस पे ही जानी है। वो कभी भी गलती से वीएलई अपना नहीं डालेगा, वो कस्टमर का ही डालना है, कस्टमर का ही डालना है। जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी उत्तम जी, कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति जाता है पास के अपने सीएससी सेंटर पे वीएलई के पास कि किस तरह से भाई उन्हें डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें तो पता होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि किस तरह क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? इस डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस में तीन तरह के डॉक्यूमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक तो उसको अपना पैन नंबर के लिए पैन कार्ड ले जाना होगा, क्योंकि पैन कार्ड को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। दूसरा है कि ई आधार लेके जाना होगा, क्योंकि ई आधार भी स्कैन करके अपलोड होगा। और एक कैंसिल चेक ले जाना होगा जिसपे वो साइन करेगा, क्योंकि वो भी अपलोड होगा, उसके साइन को क्रॉप करके वहां पे अपलोड भी किया जाएगा। और ये तीन रिक्वायरमेंट्स है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तम गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर का डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फाइनेंशियली मजबूती देगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, शेयर बाजार के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के वीएलई प्रशिक्षण भी देंगे, साथ ही साथ क्या होगी प्रोसेस डीमैट अकाउंट को खुलवाने की, साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी की जानकारी जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक हैं, अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वीएलई के माध्यम से ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ऋषिकेश पाटनकर जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर देश भर के 6.5 लाख गांवों में जाकर गांव की संस्कृति और उनके जीवन शैली को लोगों से जोड़ने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ कॉमन सर्विस सेंटर डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए लोगों को वित्तीय सहायता देगा, साथ ही साथ उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग भी करेगा। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी कॉमन सर्विस सेंटर की तमाम नई सेवाओं और स्कीम्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ पर। नमस्कार।